हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डीएम गैरेज। और आज हम देखने वाले हैं अशोक लेलैंड 1618 BS4 के एक्सेलेटर पेडल मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं जो वायरिंग हार्नेस का कपलर आया है अपना एक्सेलेटर पेडल मॉडल के, उसके अंदर 6 पिनें होती है। उन पिनों के ऊपर कंपनी जो है जो नेमिंग करके दिया हुआ है A, B, C, D, E और F, ऐसे 6 पिनें होती है। तो ए का जो कलर कोड है वायरिंग का वो ब्लैक होता है, बी का वाइट होता है, सी का रेड, डी का ग्रीन और ई का ब्लू होता है, एफ़ का ऑरेंज होता है। और हम सबसे पहले वोल्टेज लेंगे ओपन सर्किट करके। हमें क्या करना है, इग्निशन की ऑन करना है और वायरिंग हार्नेस का कपलर जो एक्सेलेटर पेडल का वो निकाल के रखना है। उस वायरिंग कपलर को हमें चेक करना है मल्टीमीटर से लेके, और हम चेक करेंगे इग्निशन की ऑन करके। तो ए वाला जो वायर है ब्लैक कलर का उसमें 0 वोल्टेज आएगा, बी वाला जो है वाइट कलर का उसमें 0 वोल्टेज आएगा, सी वाला है रेड कलर का उसमें 5 वोल्टेज आएगा। यानी कि अपना ये जो है 5 वोल्टेज वाला रेफरेंस वोल्टेज है जो हमने ECU ने दिया है। उसके नीचे डी वाला जो ग्रीन कलर का वायर है उसमें 5 वोल्टेज आएगा, ये APP2 का रेफरेंस वोल्टेज है। ई नंबर वाला है ब्लैक वाला उसमें 0 आएगा, एफ़ वाला है ऑरेंज वाला उसमें भी 0 आएगा। यानी अपना ये इनमें से हमारे जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का ब्लैक और ऑरेंज वायर है वो अपना सिग्नल वोल्टेजेस है, और जो सेकंड वाला जो है और सेकंड लास्ट वाला वाइट और ब्लू कलर का वो अपना ग्राउंड है। तो इनमें से 3 वायर एक्सेलेटर पेडल पोजीशन 1 और लास्ट के 3 वायर एक्सेलेटर पेडल पोजीशन 2, ऐसे इसके अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। जो 3 वायर वाले हैं फर्स्ट वाला वो APP1 और सेकंड वाला APP2। फर्स्ट टाइम हमने ओपन सर्किट के वोल्टेजेस लिए थे, और अब हम देखेंगे बैक प्रोबिंग करके वायरिंग हार्नेस का जो कपलर है एक्सेलेटर पेडल का वो फिर से हमें अपने एक्सेलेटर पेडल में कनेक्ट करना है। और अपने जो सिग्नल वायर है ए और एफ उसका हमें 0 पैडल पोजीशन के ऊपर वोल्टेज लेना है। तो हमें ए का जो वायर है उसमें 0.7 to 0.8 वोल्टेजेस मिलेगा, और अपना एफ़ का जो वायर है उसके अंदर अपने को 0.4 इतना वोल्टेजेस मिलेगा। अब हमें वोल्टेज लेना है 100% पैडल पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट ए सिग्नल के अंदर 4.0 वोल्टेज और सेकंड वाले में 2 वोल्टेजेस। वोल्टेजेस लेने पे हमें ये पता चला है कि एक्सेलेटर पेडल पोजीशन 1 और एक्सेलेटर पेडल पोजीशन 2 इनमें 2 सेंसर होते हैं, और जो फर्स्ट वाला है APP1 और APP2, APP1 का सिग्नल वोल्टेजेस APP2 के सिग्नल वोल्टेजेस से जो है वो डबल होता है, यानी कि APP2 वाला हाफ होता है। हम इसे APP1 ऐसे मेन कह सकते हैं, और APP2 को रिडंडेंट कह सकते हैं। मेन का वोल्टेजेस डबल होता है रिडंडेंट वोल्टेजेस के ऊपर। अगर ये 4 वोल्टेज है तो ये 2 रहेगा, ये 0.7 है तो 0.3 रहेगा। कुछ इस तरह से हम इस एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर के वोल्टेजेस को रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर के सहायता से। इस तरह से हम एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर जो है तो उसका हम डायग्नोस कर सकते हैं। वायरिंग का अगर इशू है, वायरिंग कट है या शॉर्ट है, तो हमें वोल्टेजेस रीड करने पे पता चलेगा। या फिर अपने अगर वायरिंग एक्सेलेटर पेडल में ही फॉल्ट है तो उसके जो सिग्नल वोल्टेजेस रिटर्न ECU को जाएंगे उससे हमें फॉल्ट पता चलेगा।